हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज हम बात करेंगे एग्जामिनेशन सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। तो जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें कुछ मेन क्वेश्चन है जिसको क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए उसको देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा वो पूछा जाएगा, व्हाट इज एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन क्या है। इसका आंसर आप इस तरह से कर सकते हैं, एक्सकावेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम ग्राउंड बाय मैकेनिकली, मैनुअली और थ्रू यूज ऑफ एक्सप्लोसिव। मतलब इसका मतलब ये है कि एक्सकावेशन का मतलब है कि ग्राउंड से सॉइल को निकालने का, रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको एक्सकावेशन कहते हैं। अब ये चाहे मैकेनिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके करें या मैनुअली यानी हाथ से करें, और अगर ये दोनों से पॉसिबल अगर नहीं है तो इस केस में यहाँ पे एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करके उसको ब्लास्ट करके भी किया जा सकता है। तो ये एक्टिविटी जिसमें कि सॉइल को ग्राउंड से निकालने का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को ही एक्सकैवेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज ट्रेंच, ट्रेंच क्या है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं ये ट्रेंच है ना। तो ट्रेंच का मतलब हुआ, ट्रेंच क्या है, ट्रेंच इज ए नैरो एक्सकैवेशन। ये नैरो एक्सकैवेशन होता है इन विच डेप्थ इज ग्रेटर देन द विड्थ, जिसमें कि उसका डेप्थ है जो विड्थ से ज्यादा होता है, बट इन द विड्थ ऑफ ए ट्रेंच इज नॉट ग्रेटर देन 15 फीट। लेकिन जो विड्थ होगा वो क्या होगा, 15 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया ट्रेंच। तो ट्रेंच फिर से एक बार देख लेते हैं, ट्रेंच किसको कहते हैं, ये नैरो एक्सकैवेशन है जिसमें डेप्थ जो होता है ग्रेटर देन होता है विड्थ से डेप्थ ज्यादा होता है, बट विड्थ जो है वो 15 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज स्लोपिंग। अब स्लोपिंग क्या है, क्योंकि एक्सकैवेशन में ये सारे पॉइंट्स यूज होते हैं। तो स्लोपिंग यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं, कोई भी एक्सकैवेशन किया जाता है, स्लोपिंग एक ऐसा मेथड है कि जिसको एक एंगल पे लेके मिट्टी को खोदा जाता है, ताकि मिट्टी अगर लूज टाइप का है, उतना स्ट्रेंथ उसमें नहीं है तो कोलैप्स नहीं हो, तो उससे बचने के लिए ही स्लोपिंग मेथड किया जाता है। तो चलिए इसका डिफिनेशन क्या बताता है, ए टेक्निक इन विच ए स्पेसिफिक एंगल इज मेड ऑन द साइड ऑफ द एक्सकैवेशन, यानी साइड ऑफ द साइड का एक्सकैवेशन का जो साइड होता है वहां पे एक एंगल लेकर के इसको डिग किया जाता है। द एंगल वेरीज बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ साइड फैक्टर, ये डिपेंड करता है कि साइड का फैक्टर क्या है, यानी मिट्टी किस तरह की है। अगर हार्ड मिट्टी है तो वहाँ पे इंक्लाइन कम करेंगे, अगर हार्ड मिट्टी नहीं है, लूज मिट्टी है या सैंडी है, तो उस केस में इंक्लाइन ज़्यादा, एंगल ज़्यादा ही करना पड़ेगा, इंक्लाइन उसको ज़्यादा करेंगे। तो इस प्रोसेस को और इस टेक्निक को ही क्या बोलता है, स्लोपिंग, यानी स्लोप लेना ताकि केविन नहीं हो। तो इसका मेन फंक्शन यही होता है कि केविन से ये बचाता है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सोरिंग। अब सोरिंग क्या है, तो सोरिंग का डिफिनेशन आप इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे है, क्या मिट्टी जो केबिन होता है, तो ये पिक्चर में आप देख रहे हैं केबिन होता है, उससे बचाने के लिए दोनों तकियों को उससे पानी निकलता है और मिट्टी वहाँ लूज होने के कारण बार बार मिट्टी उसमें गिर जाता है। तो इससे बचाने के लिए इस प्रोसेस को अपनाया जाता है, दोनों साइड को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, इसके बाद अंदर का जो भी एक्टिविटी होता है, पानी होता है मोटर से निकाल लिया जाता है, और फिर इसमें जो भी सिविल एक्टिविटी होता है वो किया जाता है। इसका चलिए देखते हैं डिफिनेशन, ए स्ट्रक्चर डेट सपोर्ट द साइड ऑफ एक्सकैवेशन एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट केविन, माने इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर लगाया जाता है जो एक्सकैवेशन को साइड को सपोर्ट करता है और केविन होने से उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गया आपका सोरी। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्रिकॉशन इफ एक्सकैवेशन इज मोर देन 1.5 मीटर डीप। तो कौन सा प्रिकॉशन लेना जरूरी है जब एक्सकैवेशन जो है 1.5 मीटर डीप हो गया है ना। तो इसमें ये सारे प्रोसेस है जो यहाँ पे करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे, इफ एक्सकैवेशन इज मोर देन 1.5 मीटर डीप देन फॉलोइंग प्रोसेस शुड बी अडॉप्टेड। तो यहाँ पे जितने भी प्रोसेस यहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले स्लोपिंग देना पड़ेगा। स्लोपिंग का फॉर्मूला एक ही होता है कि केबिन से बचाता है, क्योंकि इसको एक एंगल में खोदा जाता है, देख रहे हैं एंगल दिख रहा है। तो यहाँ पे डिपेंड्स करता है कि साइड में साइड कंडीशन क्या है, वहाँ की मिट्टी किस तरह की है, उसके ऊपर डिपेंड्स करता है। अगर मिट्टी हार्ड है तो स्लोप कम भी लेंगे तो कच चलेगा, लेकिन अगर मिट्टी जो है
वो भुरभुरा है या सैंडी है, लूज है, तो उस केस में एंगल को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा ताकि केविन नहीं हो। तो इसका मेन फंक्शन यही होता है कि केविन नहीं हो, उससे बचाना। तो ये हो गया स्लोपिंग। दूसरा जो मेथड है वो है बेंचिंग। बेंचिंग का मतलब इसका दो फंक्शन होता है, इस तरह से बेंचिंग करने से एक तो आप आउटसाइड से इनसाइड एक्सकेवेशन में प्रवेश कर सकते हो, और दूसरा एक स्लोपिंग का पार्ट भी हो गया है क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप खुदा करके इसको स्लोप काफ़ी मिला हुआ है जिससे केबिन भी नहीं होगा और इसमें आने एंट्री एंड एग्जिट का यहाँ पे बे ही हो गया, बे भी बन गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेंचिंग। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो टिम्बर सोरिंग होता है। तो सोरिंग को मैंने बताया, सोरिंग का मेन फंक्शन ये देखिए टिम्बर सोरिंग हुआ, यहाँ पे स्ट्रक्चर सोरिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसका मेन फंक्शन है कि जो पानी निकलता है या सैंडी मिट्टी होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखे और जो खोदा हुआ जो है वो केबिन नहीं हो, मतलब वो गिरे नहीं ढहे नहीं। उसके बाद होता है सीट पाइलिंग। अब सीट पाइलिंग क्या होता है, जैसे समुद्री एरिया में या नदी किनारे अगर कुछ भी एक्टिविटी करना है इस पार्टिकुलर इस एरिया में और वहाँ पे पानी कंटिन्यूस है, तो इस केस में यहाँ पे सीट का पाइलिंग कर दिया जाता है। बाद में पाइलिंग होने के बाद इसके अंदर से पानी निकाल दिया जाता है। अब इधर से क्या है, पानी नहीं आ पाएगा क्योंकि इसका जब पानी अंदर है वो निकाल दिए, उसके बाद जितने भी सिविल एक्टिविटी होते हैं वहाँ पे स्टार्ट करके ख़त्म किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है सेकेंड पाइलिंग। तो सेकेंड पाइलिंग में क्या होता है, ये सेम प्रोसेस है, इसमें भी पाइलिंग किया जाता है हैमरिंग के थ्रू और इस शीट को अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी सैंड हैं उसको एक्सेवेट करके जितना डिप जाना होता है जाके उसके अंदर जो भी काम करना होता है, इसके अंदर भी पानी आएगा तो पानी है जो डिवाटरिंग करके यहाँ से निकाल दिया जाता है और उसके बाद जितने भी सिविल एक्टिविटी होते हैं यहाँ पे किया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस आपने देखा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती है अगर एक्सकेवेशन 1.5 मीटर डीप है तो किसी भी मिट्टी में, बट डिपेंड करता हार्ड है लूज है क्या है वो देखना जरूरी है। चलिए इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द हजार्ड एंड रिस्क इन्वॉल्व इन एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन में हजार्ड और रिस्क क्या क्या है। तो सबसे पहले केबिन एंड ट्रेंच कोलैप्स, केबिन होने का डर है या ट्रेंच कोलैप्स हो सकता है। नेक्स्ट है हिट टू यूटिलिटी लाइन, एक्सकेवेशन करने के दौरान यूटिलिटी लाइन मतलब जो अंडरग्राउंड लाइनें जो गई है, चाहे गैस पाइप लाइन का हो, चाहे केबल हो, चाहे वाटर पाइप लाइन हो, तो उसको हिट कर सकता है। तो ये भी एक हजार्ड है, रिस्क है। टच ओवरहेड पावर लाइन, अब यहाँ पे अगर मैकेनिकल इक्विपमेंट से काम कर रहे हैं ऊपर ओवरहेड पावर लाइन है तो उसमें टच होने का डर है जिसके कारण इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है और मेजर इशू हो सकता है। उसके बाद है इंट्रैपमेंट, इंट्रैपमेंट का मतलब होता है फंसना। तो जब भी जहाँ भी बकेट चल रहा है तो उसके बीच में और उसके अगल बगल उसके रेडियस में किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। मटेरियल स्टोर नियर टू द एक्सकेवेशन, अगर देख रहे हैं यहाँ पे एक्सकेवेशन के नज़दीक मटेरियल ज़्यादा रख दिया जाएगा तो इसका लोड इस पे आएगा फिर यहाँ पे केबिन हो जाएगा, तो ये नहीं करना है। तो मटेरियल स्टोर नियर एक्सकेवेशन डेट इज ऑल्सो वन ऑफ द हजार्ड एंड रिस्क। फायर एंड एक्सप्लोजन यहाँ पे हो सकता है क्योंकि अंडरग्राउंड यूटिलिटी लाइन अगर गैस पाइप लाइन की है या फ्लेमेबल लिक्विड वहाँ से क्रॉस कर रहा है और उसमें अगर हिट कर दिया तो वहाँ पे फायर एक्सप्लोजन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। हेल्थ हजार्ड तो होगा ही क्योंकि एक्सकेवेशन में डस्ट वगैरह बहुत आते हैं तो नाक में जाता है, तो प्रॉपर यहाँ पे सेफ्टी मेजर लेके हुए नोज मास्क पहनना जरूरी है, तो हेल्थ हजार्ड से बचा जा सकता है कुछ हद तक। उसके बाद है प्रॉक्सिमिटी ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर, अब जहाँ पे एक्सकेवेशन किया जा रहा है अगर वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है या कोई बिल्डिंग है तो जो मशीनरी है उससे उस बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है, उसके स्ट्रक्चर से टच हो सकता है, तो ये भी एक हजार्ड है। यहाँ पे विशेष प्रिकॉशन लेके इसको काम करने की यहाँ पे जरूरत है। उसके बाद हो सकता है हजार्ड एटमोसफेयर, हजार्ड एटमोसफेयर का मतलब है कि आप ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे हजार्ड एटमोसफेयर और है, चाहे टॉक्सिक गैस रिलीज हो रहा है या कंबस्टेबल गैस वहाँ पे रिलीज हो रहा है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं तो उसके कारण वो हजार्ड एटमोसफेयर होता है। तो वैसे एटमोसफेयर में अगर एक्सकेवेशन करना है, डिगिंग करना है, तो काफ़ी प्रिकॉशन के साथ करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हजार्ड है इक्विपमेंट रोलिंग इनटू एक्सकेवेशन, तो यहाँ पे चांसेस होता है कि एक्सकेवेशन के काफ़ी नज़दीक अगर कोई भी इक्विपमेंट अगर काम कर रहा है तो उस केस में अगर केबिन हो जाता है तो ऑटोमेटिक इक्विपमेंट है जो एक्सकेवेशन में चला जाएगा क्योंकि वहाँ से मिट्टी निकलने के कारण धस जाएगा, तो यहाँ पे गाड़ी का भी बैलेंस खराब होगा और वो है जो टपल हो जाएगा एक्सकेवेशन के अंदर। तो ध्यान रख,
ये ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद देखेंगे इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक फ्यूम। तो आप वैसे एरिया में काम जहाँ पे हो रहा है जहाँ पे कि टॉक्सिक फ्यूम्स निकलता है और वहाँ पे एक्सहेबिशन करना है तो वहाँ पे इनहेल करने का डर है, तो ये भी एक हजार रिस्क है। तो देखना है हमें एक्टिविटी किस एरिया में करना है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्रिकॉशन फॉर एक्सहेबिशन, अगर एक्सहेबिशन कर रहे हैं तो प्रिकॉशंस क्या क्या होना चाहिए। चलिए कुछ प्रिकॉशन से बात करते हैं। सबसे पहले एक्सहिबिशन एरिया शुड बी हार्ड बैरिकेटेड। जब भी एक्सहिबिशन करते हैं तो उस एरिया को हार्ड बैरिकेट करके प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसमें भी डबल रेलिंग। नेक्स्ट है पुट साइन बोर्ड अराउंड द एक्सहिबिशन एरिया। तो एक्सहिबिशन एरिया के चारों तरफ है जो यू हैव टू पुट साइन बोर्ड, उस ताकि उससे क्या हो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लोगों को मालूम पड़े कि यहाँ पे एक्सहिबिशन है। उसके बाद पूछा जा आंसर आप कर सकते हैं अवॉइड हैवी व्हीकल कमिंग नियर टू द एक्सहिबिशन। तो कोई भी गाड़ी अगर हैवी व्हीकल है तो उसको एक्सहिबिशन के नज़दीक ला के रन नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पे केबिन भी हो सकता है एक्सहिबिशन का और वो जो गाड़ी वहाँ से मूव करने वाली है जो गाड़ी है वो है जो टपल भी हो सकता है, मैंने पलटी हो सकता है। कीप द एक्सहिबिटर्स वेल एटलीस्ट 1.5 मीटर अवे। तो अगर एक्सहिबिशन को केबिन से बचाना है तो उसमें एक सेफ्टी मेजर है कि कम से कम उससे जो मीटी निकला है वो 1.5 मीटर एज से दूर रखना चाहिए। और ये भी डिपेंड्स करता है कि मिट्टी किस तरह की है, अगर सैंडी मिट्टी है लूज मिट्टी है तो उस केस में उसके एज पे मटेरियल अगर रखना है तो डिस्टेंस और बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो तुरंत केबिन हो जाएगा और मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सहिबिटर साइड शुड बी स्लोप टू ए सेफ एंगल। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया है कि एक्सहिबिटेड जब करना है तो उसको एक सेफ एंगल में लेके करें, मतलब उसको स्लोप बनाना है ताकि उसका केबिन नहीं हो, तो ये प्रिकॉशन लेना है। उसके बाद है हैंड एक्सहिबिशन शुड बी डन इफ देयर इज ए कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन इन द सेंस कि अगर ये नहीं मालूम कि वहाँ पे कोई यूटिलिटी लाइन पास कर रही है कि नहीं, वहाँ पे कोई गैस लाइन पास कर रहा है कि नहीं, वहाँ पे कोई कंबस्टेबल या फ्लेमेबल है लिक्विड तो क्रॉस नहीं कर रहा है वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू, या कोई वाटर पाइपलाइन तो नहीं है, अगर ये कन्फ्यूजन है तो इस केस में वहाँ पे मैकेनिकल एक्सहिबिशन ना करके हैंड एक्सहिबिशन करना ज़्यादा उपयुक्त है। नेवर एक्सकेवेट इन गैसियस एरिया और केबल एरिया। तो ध्यान रखना है जहाँ पे गैसियस एरिया होने की संभावना है या केबल एरिया है आपको पहले से पता है तो उस केस में वहाँ पे एक्सहिबिशन ना करें, और करना है तो विद प्रिकॉशन तो वहां पे हैंड एक्सहिबिशन करना पड़ेगा। कटिंग शैल बी डन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब एक्सहिबिशन करना है तो कभी भी बॉटम टू टॉप ना करें, बॉटम टू टॉप करने में केबिन होने का डर है, तो वहां पे एक ही प्रोसेस लागू होता है टॉप टू बॉटम, पहले टॉप को मिट्टी को हटाएं फिर बॉटम के मिट्टी को हटाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हम कर सकते हैं ऑल नैरो ट्रेंचेज भी चीज 4 फीट और डीपर, 1 लैडर शुड बी प्रोवाइडेड देयर। तो अगर कह रहा है कि कोई भी अगर नैरो ट्रेंच है और वो 4 फीट से ज़्यादा डीप है तो उस केस में वहाँ पे सीढ़ी का प्रोविजन देना जरूरी है। उसके बाद पूछा जा सकता है आंसर कर सकते हैं वाइल एक्सहिबिटिंग ऑन स्लोप हुज हाइट इज 10 फीट मेन शुड बी यूज सेफ्टी हार्नेस। तो अगर एक्सहिबिशन कर रहे हैं और 10 फीट से ज़्यादा है यानी कि इसकी हाइट जो है जो हाइट वर्ग के कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल कर रहा है 1.8 मीटर से अगर ज़्यादा हो गया है तो उस केस में यहाँ पे सेफ्टी हार्नेस का पहनना जरूरी है। तो ये सारे हैं जो प्रिकॉशंस हैं जो कि एक्सहिबिशन किया जाता है उस समय लेने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और इस तरह का क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आप है जो अच्छी तरह से इसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे जितने भी वीडियो हैं और जो रिलीज होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।